आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक वापस से एक अमेजिंग वीडियो लेकर, जो आपको बेहद ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगी इस वीडियो से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी हिस्सा वीडियो का आपसे छूटने ना पाए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, वहाँ पे एक रेड बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपसे मिस ना हो पाए। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके मुंह में किसी कारण की वजह से आपको दांत निकालना पड़ रहा है तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, कितने प्रकार के दांत ऐसे मौजूद होते हैं जो आप वापस वहाँ पर लगवा सकते हैं, किस किस कंडीशन में कौन कौन से दांत वहाँ पर लगते हैं, इसका क्या क्या खर्चा आता है और किस प्रकार से इसका इलाज होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी, आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। सो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे भारत में हमारे मुंह के स्वास्थ्य को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके कारणवश बहुत से लोगों को अपने दांतों से हाथ धोना पड़ता है, मतलब दांत किसी न किसी कारणवश निकालने ही पड़ते हैं। जैसे कि हो गया, दांत में कीड़े लगे और उन्होंने आगे जाकर उसका इलाज नहीं करवाया तो उस कंडीशन में दांत इतने तरह से सड़ जाता है कि वो दांत को वहाँ से निकालना पड़ता है। कभी ऐसा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो उस कंडीशन में भी दांत निकालना पड़ता है। और कई लोगों के दांत जो है वो जन्म से ही मौजूद नहीं होते तो आगे जाके भी वो एक दो दांत नहीं आते तो उनकी जगह खाली रह जाती है, वहाँ पर भी दांत आपको लगवाना पड़ता है। और जैसे कि आपने अपने आस पड़ोस में बूढ़े लोगों को देखा ही होगा जो 60-70 से ऊपर हो गए होंगे, कई ऐसे लोग होते हैं उनके मुँह में एक भी दांत मौजूद नहीं होते उम्र के वजह से, तो वो लोग भी अपने मुंह का पूरा जबड़ा, जिसे हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं, वो लगवाते हैं। तो ये हो गया कि कारण किस वजह से दांत नहीं होते। आइए जानते हैं इसके क्या क्या इलाज है। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट डेंचर के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कंप्लीट डेंचर दिखता जैसे, तो ये कंप्लीट डेंचर की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनके मुँह में एक भी दांत मौजूद नहीं होते हैं और चाहते हैं कि उनका दांत वापस से आ जाए, तो उनके लिए एक ही सलूशन है, ये कंप्लीट डेंचर लगवाना। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसे जबड़े की तरह बनकर आता है जो आपके मुंह में ऊपर और नीचे दोनों जगह पर फिट हो जाता है। ये बनाने के लिए डॉक्टर्स जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं प्रोस्टोडोंटिक्स, वो आपका जबड़ों का नाप लेते हैं और फिर उसके बाद आपको 4-5 बारी बुलाया जाता है ये प्रोसेस होने में, फिर वो लैब में बनकर आता है, फिर उसकी फिटिंग चेक की जाती है, फिर वो आपको आपके हाथ में दिया जाता है। लगभग अगर आप ये कंप्लीट डेंचर एक प्राइवेट क्लिनिक में कराते हैं तो इसका खर्चा आपको वेरी कर सकता है, क्लिनिक टू क्लिनिक 20,000 से 30,000 के बीच में एक डेंचर आपको लग जाएगा, कई लोग 40,000 भी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप यही इलाज एक डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर जाके कराएंगे तो आपको सस्ता ही वहाँ पर पड़ेगा। और ये कंप्लीट डेंचर लगवाने के बाद आप इससे वापस से पहले की तरह खा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो आपका कंप्लीट डेंचर होता है पूरा जबड़ा, इसको आप सोते टाइम पानी में भिगा के रखेंगे और जैसे ही आप अपने नॉर्मल दांतों पे ब्रश करते हैं आप इनको भी ब्रश करके पूरी सफाई अच्छे से रखेंगे। लेकिन एक बार अगर आपका जबड़ा बन गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाद में आपको कभी दोबारा नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि हमारे मुंह में जो हड्डी है अगर वहाँ पे नेचुरल दांत नहीं है तो ये हड्डी, ये आर्टिफिशियल दांत वहाँ पे लगते हैं उसके प्रेजेंस में थोड़ा घिसने लगती है उम्र के हिसाब से, तो ये जो आपका नकली जबड़ा बना है ये वहाँ पर ढीला आने लगता है। तो वो कंडीशन में आपको इसको रीलाइन कराना पड़ता है, मतलब वापस से इसी पे नाप लिया जाता है और इसको वापस से ठीक कर दिया जाता है। लेकिन कई कई जगह ये डेंचर वापस से भी बनाया जा सकता है, तो ये नॉर्मल है, 5-6 साल आपका सही हो रहेगा, उसके बाद हड्डियां तो नॉर्मल चीज़ है वो गलेंगी ही। तो इसके बाद
ऑप्शन आता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, सेकंड ऑप्शन, मतलब वो लोगों के लिए जिनके मुंह में 1, 2, 3, 4 दांत मिसिंग है और वो चाहते हैं कि ऐसे दांत लग जाए जिसे वो निकाल भी सके और पहन भी सके, तो इसको कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। जब मन चाहे आप इसे निकाल सकते हैं और जब भी चाहेंगे आप इसको पहन सकते हैं। तो ये रिमूवेबल पार्शियल डेंचर क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसे जाके आपके दांत में के बीच में फिक्स हो जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ कोई ओरिजिनल दांत नहीं है तो वहाँ की हड्डी घिसने के चांसेस तो रहते ही हैं। लेकिन एक रिमूवेबल पार्शियल डेंचर अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में करवा रहे हैं तो ये आपको एक दांत का वहाँ पर 2500 तक खर्चा आ जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप कॉलेज में, कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल से आकर करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 250 का एक दांत लग के मिल जाता है। सेकंड ऑप्शन बताने के बाद मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताती हूँ, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, मतलब ऐसा डेंचर जो कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, और ऐसा डेंचर जो कि रिमूवेबल भी नहीं है, मतलब आप इसे निकाल नहीं सकते, ये आपके वहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो ये जब भी आप लगाएंगे तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक दांत नहीं है तो इसके आजू बाजू के जो दांत हैं उनकी कटिंग होती है अच्छे से, इतनी कटिंग होती है कि बीच वाले दांत को लगाने के लिए वहाँ पर सपोर्ट मिल जाए। तो अगल बगल के दांत को हल्का सा कट और ट्रिम करके वहाँ पे नाप लिया जाता है और लैब से दांत बन करके आता है और उसे सीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन ये फिक्स पार्शियल डेंचर में भी आपको 3 प्रकार के दांत मिलेंगे। पहला ऑल मेटल, जो कि इस तरह सिल्वर कलर का होगा और ये पूरा का पूरा ऐसा ही लगेगा। दूसरा आता है मेटल विथ सिरेमिक, दैट इज़ PFM, जिसे हम मेटल विथ सिरेमिक या फिर पोर्सिलेन फ्यूज्ड विथ मेटल भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, अंदर से तो इसका मेटल का कवरिंग होगा जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन बाहर से इसके ऊपर सिरेमिक की कोटिंग, मतलब दांत जैसे स्ट्रक्चर की कोटिंग उसके ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं PFM, पोर्सिलेन फ्यूज्ड टू मीनियर, दैट इज़ मेटल सिरेमिक क्राउन। उसके बाद जो तीसरा क्राउन है उसको हम कहते हैं ऑल सिरेमिक, मतलब अंदर से भी दांत के कलर का और बाहर से भी ये दांत के कलर का होता है। लेकिन इसके रेट में फ़र्क आता है। जो आपका एक नॉर्मल ऑल मेटल क्राउन है, ये आपको अगर एक प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो 2500 में लग जाता है, वही आपको एक डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में ये आपको करीबन 400 से 450 तक का पड़ेगा। उसके बाद ये जो PFM है, अगर आप ये किसी प्राइवेट क्लिनिक में करवाते हैं तो आपको इसमें 4500 का खर्चा आएगा, 4500। और अगर ये यही चीज़ आपने अपना एक डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में करवाया तो इसके रेट 800 हो जाते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बनाया, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से दांत के कलर का होता है ऑल सिरेमिक, ये हमारे ये प्राइवेट क्लिनिक में 8000 से 10000 तक का लगता है और कॉलेज में ये हमारा 2000 में पूरा लग जाता है। तो ये इसके अलग अलग ट्रीटमेंट चार्जेस हैं, आप अपने नीड के हिसाब से लगवा सकते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ पर एस्थेटिक, बाहरी सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा ये ऑल सिरेमिक, बहुत ज़्यादा लोग इसी को लगवाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कंप्लीट डेंचर के बारे में, फिर फिक्स पार्शियल डेंचर के बारे में, फिर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के बारे में। अब जो चौथा ऑप्शन है, जो कि नया आया है, ये इतना भी नहीं है, इसे नए आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसे नई तकनीक ही कहते हैं, न्यू ट्रीटमेंट टेक्निक, दैट इज़ डेंटल इम्प्लांट। इसको हम कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। आपने बहुत से लोगों के मुँह से सुना होगा कि हमें स्क्रू वाले दांत लगा दीजिए, तो ये स्क्रू वाले दांत को ही डेंटल इम्प्लांट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका, जैसे मान लीजिए एक दांत यहाँ पर मिसिंग है, नहीं है, तो ये एक स्क्रू जैसा पार्ट होता है, सर्जरी करके ये स्क्रू को वहाँ पे डाला जाता है, फिर कुछ महीने बाद इसके ऊपर प्रोस्थीसिस लोड किया जाता है। प्रोस्थीसिस लोड किए जाने का मतलब इसके ऊपर दांत के जैसा क्राउन लगाया जाता है और ये आपको एकदम नेचुरल टूथ का फीलिंग देता है।
इसमें बस एक चीज़ है, इसमें रिजॉर्प्शन केस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हड्डी से जाके जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप ये डेंटल इम्प्लांट किसी प्राइवेट क्लिनिक में कराएंगे तो ये आपको करीबन 40 से 50 हज़ार एक दांत का एक प्राइवेट क्लिनिक में लगेगा। वही अगर आप ये डेंटल इम्प्लांट कॉलेज हॉस्पिटल में कराते हैं तो ये आपको 3 से 4 हज़ार में आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये जो डेंटल इम्प्लांट होता है ये नई टेक्निक आई है और इसे आजकल बहुत लोग करवा भी रहे हैं क्योंकि इसमें तो ना निकालने का झंझट है, ना वापस पहनने का, ना ही फिक्स पार्शल डेंचर में जैसे वहाँ पर कैप और दांत के बीच में खाने फंसना, ये सब डेब्रीज इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं, वो इसमें कम हो जाते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है उस बेसिस पे। तो इतने सारे ऑप्शंस आप पे अवेलेबल हैं दांत लगवाने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं दांत लगवाने के लिए तो आप ये सब बातें डिसाइड कर लें कि आप कितने पैसे खर्च सकते हैं और कौन सा दांत लगाते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर आपका दांत, ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर आपका आज दांत निकला है तो आज ही दांत लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका अगर आज दांत निकला है तो करीबन 20 से एक महीने तक भी, यानी लगा लीजिए 20 से 30 दिन बाद ही आपको वहाँ पे दांत लगाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी अभी आपका दांत निकला है, वहाँ पे अभी घाव भरना बाकी है। तो जैसे ही वहाँ पे वूंड हीलिंग मतलब घाव भर जाएगा, उसके बाद ही वहाँ का नाप लेकर वहाँ पर काम किया जा सकता है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का उस जगह पर वापस से चोट नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हम पूरा इंतज़ार करते हैं कि वहाँ का घाव अच्छी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम बनाएं। लेकिन एक नया तकनीक है कि जिसे हम कहते हैं इमीडिएट डेंचर, मतलब जैसे ही दांत निकाला वैसे ही आपको वहाँ पर दांत लगा के मिल गया। तो ये उस कंडीशन में दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी कल मुझे पार्टी में जाना है और मेरे आगे का दांत किसी कारणवश निकालना पड़ा, लेकिन पार्टी में जाने से ये आगे का चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा करके मैंने उसी टाइम दांत लगवा लिया, जिसे कहते हैं इमीडिएट रिप्लेसमेंट। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये टेम्प्ररी होता है, बाद में जब आपका परमानेंट दांत बनकर आएगा, जब आपका आपके पार्टी वार्टी सब ख़त्म हो गया होगा, उसके बाद आप जाएंगे तो इसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये याद हमेशा रखिएगा कि ये एक टेम्प्ररी ट्रीटमेंट है। उसके बाद इमीडिएट इम्प्लांट के केसेस भी होते हैं जिसमें तुरंत ही दांत निकाल के इम्प्लांट डाल दिया जाता है, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब वहाँ पर अच्छी खासी हड्डी मौजूद हो और वहाँ पे कोई भी पहले से कोई पस जैसी समस्या वहाँ पर ना हो। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए डेंटिस्ट आपको सही टाइम पर, स्पेशली जो प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको ये सब चीज़ का अच्छे से ध्यान रख के बता के समझा के बताएंगे। और अगर आप दांत लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो के ज़रिए आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से तरीके का दांत लगवाना है। तो ये था पूरा वीडियो दांत लगवाने के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स और डाउट्स भी वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और जाने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, वहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और दांतों से जुड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको समय से समय मिलती रहे। बाय।